हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमन सिंह एक बार फिर से आप लोगों का डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का अध्याय 15 शब्द भंडार। बच्चों, शब्द भंडार में बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, अनेकार्थी है। तो शब्द भंडार का आज पहला अध्याय यानी कि पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द होता क्या है? वे शब्द जो एक दूसरे का समान प्रदान करते हैं वो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का सेम अर्थ यानी कि समान अर्थ जो देते हैं, समझ रहे ना? मतलब कि चाहे वर्ड कुछ भी हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो, शब्द कोई भी हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो, एक हो, वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं कि समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ओके, यहाँ पर देखेंगे आंख है, राइट? आंख, अब आंख को आप चाहे नयन बोलिए, लोचन बोलिए, नेत्र बोलिए, चक्षु बोलिए, अक्षि बोलिए, कुछ भी बोलेंगे उसका अर्थ क्या होगा? आंख। यह हमारा हाथ है, चाहे हम इसको हाथ बोले या हस्त बोले या वरद बोले, उसका अर्थ एक ही होगा। क्या होगा वो? आह, ठीक है ना? वैसे ही दिन होता है, दिन का चाहे आप दिवा बोलिए, दिवस बोलिए या वार बोलिए, वो उसका अर्थ क्या होगा? दिन होगा। निर्धन का गरीब बोलिए, लाचार बोलिए, उसका अर्थ क्या होगा? गरीबी होगा। तो वर्ड चाहे कुछ भी हो, शब्द चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका अर्थ एक बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि शब्द वर्ड कुछ भी हो, कोई भी वर्ड हो, लेकिन उसका अर्थ आपको एक ही मिलेगा। चाहे आप आंख बोलिए, नयन बोलिए, नेत्र बोलिए, लोचन बोलिए, चक्षु बोलिए, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? आंख होगा। यहां पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, मूल शब्द, और उसके पर्यायवाची मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा स्टूडेंट्स? एक ही होगा। अब यहां पर देखिए, मैंने लिखा है आकाश। आकाश का क्या पर्यायवाची होता है? अंबर होगा, नभ होगा, गगन होगा, व्योम होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, चाहे हम अंबर बोलिए या नभ बोलिए या व्योम बोलिए या गगन बोलिए, अर्थ उसका क्या होगा? आकाश या आसमान, आप जो बोलते हैं। अग्नि, अग्नि मतलब होता है आग। अब उसको आप चाहे अनल बोलिए, पावक बोलिए या आग बोलिए, ये इसका मतलब हो गया आग। अंधकार, अंधकार का मतलब क्या होता है? अंधेरा, डार। अब अंधेरा में आप चाहे तम बोलिए, तिमिर बोलिए, अंधेरा बोलिए या अंधकार बोलिए, सबका अर्थ क्या हुआ? अंधेरा हुआ। आदर, किसी को सम्मान देना, मान देना, प्रतिष्ठा देना, बोलते हैं ना उनकी इज्जत करो, उनका मान प्रतिष्ठा करो। तो शब्द चाहे कुछ भी हो लेकिन अर्थ क्या होगा? एक ही होगा, आदर। उसका क्या हो जाएगा? सम्मान, मान, प्रतिष्ठा। क्लियर? इच्छा, हमारी इच्छा होती है, चाह होती है, अभिलाषा होती है, कामना होती है, डिजायर होती है। तो चाहे वो डिजायर बोलो या इच्छा बोलो या कामना बोलो या चाह बोलो या अभिलाषा बोलो, वो सबका अर्थ एक ही होगा, इच्छा। क्लियर? पेड़ है, पेड़ को हम चाहे वृक्ष बोले या फल बोले
या विटप बोले या पादप बोले उसका अर्थ पेड़ ही होगा। आया समझ में बच्चों? शब्द चाहे कोई भी हो, समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ आपने देखा कि मैंने मूल शब्द लिखे हैं और ये उनके पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची में आप कुछ भी बोलेंगे वो उसका अर्थ देखेंगे। या आप अंधेरा बोलिए या कम बोलिए वो अर्थ एक ही होगा। क्लियर? अब यहाँ आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब क्या होता है? धरती। अब आप पृथ्वी को चाहे पृथ्वी बोलो, धरती बोलो, भू बोलो, वसुधा बोलो, वसुंधरा बोलो, सबका अर्थ एक ही होगा। यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा है भू, धरा, वसुधा, वसुंधरा, भूमि, सबका अर्थ एक होगा। यानी कि धरती को आप चाहे किसी के नाम से बुला सकते हैं। जंगल, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं जो जंगल आपको पता होगा, उसको आप जंगल भी बोल सकते हैं, वन भी बोल सकते हैं, कानन भी बोल सकते हैं, विभिन्न भी बोल सकते हैं। क्लियर? हवा। अब हवा को हम सिर्फ हवा थोड़ी ना बोलते हैं, वायु भी बोलते हैं। वायु बहुत तेज चलती है, पवन बोलते हैं, समीर बोलते हैं। तो आप किसी भी नाम से हवा को बुला सकते हैं। अगर आप कोई भी एक वर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब हवा ही होता है। नदी। अब नदी को क्या क्या बोलते हैं? नदी को सरिता भी बोलते हैं, तटिनी भी बोलते हैं, तरंगिणी भी बोलते हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को सिर्फ गिनती ही बताया है ताकि आपकी समझ में आ सके। क्लियर? पर्यायवाची हमेशा एक से अधिक लिखना चाहिए। क्यों? अगर आप एक लिखेंगे तो सिर्फ वर्ड मीनिंग हो जाएगा, इसलिए दो तीन चार जितना आप याद कर सकते हैं उतना लिखना चाहिए। तालाब। आपके आसपास छोटे मोटे तालाब होते हैं तो तालाब को सर भी बोलते हैं, सरोवर भी बोलते हैं, जलाशय भी बोलते हैं, ये तालाब का पर्यायवाची है। क्लियर? बादल। आप बोलते हो ना आसमान में बादल लगे हुए हैं, आप बादल को जलद भी बोलते हैं, जलधर भी बोलते हैं, घन भी बोलते हैं, तो ये सब मेघ भी बोलते हैं, ये बादल का पर्यायवाची होता है। सांप, सर, भुजंग, विषधर, ये सब सांप के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर? दुख, कष्ट, व्यथा, शोक, ये सब कष्ट के या दुख के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर? ऐसे रात का भी होता है, शाम का होता है, बहुत सारे वर्ड हैं जिनके पर्यायवाची हर शब्द के पर्यायवाची होते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ, मैंने सारा नहीं बताया आपको, मैंने कुछ वर्ड्स उन शब्द के लिख करके आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। आपके बुक में, आपके चैप्टर में अध्याय 15 पर्यायवाची शब्द में बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। आप उनको बुक से पढ़िए, याद करिए और समझिए। जो भी आपको समझ में आए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को पर्यायवाची शब्द का पाठ पंद्रह का पर्यायवाची शब्द का मैंने आप लोगों को व्याख्या किया है। कल के वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज करके, इसका अभ्यास करके बताऊंगी। आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।